हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सोनाली और आज का स्वागत करती हूँ। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड थैंक यू सो मच आप सबों को प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मेरा खांसी और थोड़ा सर्दी ये ठीक हुआ नहीं है। फिर भी बहुत दिन हो जा रहा है, मतलब ब्लॉग शेयर की नहीं थी तो सोची शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मुझे रेगुलर दिखते हैं वे वेट किए रहेंगे बोल के। तो अभी खाना खा रही हूँ गाइस। तो आज मम्मी बनाई है साग और आलू, तो भी आज सब्जी है तो ये खा रही हूँ। तो चलो खाना खाने के बाद अब सब उससे मिलूंगी, क्या करना है, आज का डे कैसे रहेगा। आप लोग मेरा ब्लॉग में कंटिन्यू रहना एंड ब्लॉग के एंड में आप सब से जरूरी बात शेयर करूँ, मतलब हो सकता है आपका काम में भी आए वो बातें। तो आप लोग मेरा ब्लॉग में कंटिन्यू रहना एंड तक। सुबह सुबह देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मुर्गी खराब कर दिया है। यहाँ पे हम लोग सारू लगाए थे, मुर्गी लगा फितरत ही है ऐसे सारे चीज़ों के से जो जमा किए रहते हैं उसको ख़राब करने के लिए। तब यहाँ पे फिर से मिट्टी जमा करना पड़ेगा गाइस। ये देखो गाइस, ये रात को पूरा टूट गया और पापा गिर गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा भी कोई मतलब लगा ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन ये टूट गया था। बैठने वाले थे उसी टाइम में टूट गया पूरा। इसको बनाना है, पता नहीं कब बनेगा। और ये वाला तो ठीक ही है वैसे, तो बेड से अच्छा ना है, इसे खटिया में ही सोना अच्छा लगता है। और मम्मी लोग जा रहे हैं बाहर, मम्मी पापा दोनों, मम्मी पूरा हीरोइन बन के जा रही है हीरोइन। तो गाइस कुछ घंटों के बाद मम्मी पापा आ गए और इसके बाद हम लोग गाय बोलते उसको, हम लोग का लोकल लैंग्वेज में, तो वो झाड़ रहे हैं पापा के साथ। और हम लोग आदिवासी लोग खाते गाय सब, बहुत कोई ऐसा होता है खाते नहीं है, पसंद नहीं करते, लेकिन हम लोग का पूर्वज थे वे भी खाते थे तो हम लोग भी खाते हैं वैसे, तो बहुत अच्छा ही लगता है गाय। हम लोग भी ट्राई करना कि खाए नहीं हो तो साग के साथ मिला। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी सारा काम करने के बाद जो भी था तो सब करने के बाद अभी से नहा ली हूँ और अच्छा लग रहा है। अभी उस दिन दिखाई दो वाला बहन आज तो बात मतलब अच्छे से ए हो पा रहा है, तो खांसी आ जाएगा इस तरह से लग रहा है। तो ऐसे ही चलो आज का वीडियो बनाएंगे, ठीक है।
और मतलब मौसम ऐसा है कि कभी बारिश दे रहा है कभी नहीं दे रहा है। आप सबों को एक चीज़ दिखानी थी जो कि मैं की हूँ। मेरा तबीयत खराब था, व्लॉगिंग नहीं कर रही थी उसी टाइम में, मतलब लेकिन अच्छा लग रहा था उस टाइम, थोड़ा तबीयत ठीक हो रहा था तो उस टाइम एक चीज़ की काम की हूँ उसका आप सबों को दिखाती हूँ। पता नहीं ठीक लगेगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, वीडियो भी बनाते थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। जो पुराना वाला घर है वहाँ पे गंदा टाइप का लग रहा था, तो मैं उसको कलर लगा दी हूँ, तो उसको आसमान को दिखाती हूँ। मैं और मेरा भैया दोनों हम मिल के किए हैं, और चलो दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, ये है। कैसा लग रहा है कि मैं गई हूँ इसको, और इधर ऐसे मेरा साइकिल है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है। और यहाँ पे एक्चुअली इस घर को जो है तोड़ना है, मतलब यहाँ पे न्यू घर बनाएंगे, लेकिन तब तक के लिए यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा गंदा हो गया था। यहाँ पे वही ये बादाम वगैरह रखे थे ना, तो इसीलिए पूरा ये हो रहा था, खराब हो गया था पूरा, तो इसीलिए यहाँ पे ना ऐसे की। और घर बनने तभी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्द बनाएंगे, तब तक के लिए ऐसे करती हूँ। वहाँ का पूरा लगाई होती तो अच्छा होता, बट इतना ही कलर था। यहाँ पे भी थोड़ा सा भैया लगा दिया है, उधर किचन रूम है, किचन रूम, और बस ऐसा कर दिया। गाड़ी खराब हुआ है, इसको भी निकालना है, पर निकाल नहीं है। तो पुराना घर है, उसको बनाने के लिए टाइम लगेगा, और खर्चा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो घर है जो हम लोग का छोटा वाला न्यू घर उससे थोड़ा वो बड़ा है, तो खर्चा ऐसे ही होगा, तो मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा ही होगा, तो सोच समझ कर बनाना पड़ेगा। हड़बड़ी में बनाने से कुछ गड़बड़ी होगा, फिर प्रॉब्लम, तो अच्छे से बनाएंगे उसको। तब तक के लिए मैं वैसे कलर लगा दी थी, और अभी बैठी हूँ, ये मैं सोच रही हूँ स्टिच करूँगी मेरे कपड़ा को, क्योंकि थोड़ा सा सिले छोटा है, और कपड़ा अच्छा है तो घर पर भी पहन सकती हूँ, या फिर मार्केट में भी पहन सकती हूँ, तो बना या भी ये करूँगी स्टिच करूँगी। और कोई नहीं है जब भैया घर पर है, और एक्चुअली टिफिन दवा है, तो ये टिफिन है, लेकिन ये ऐसे ही पड़ा था, खाली यूज में नहीं आ रहा था, तो मैं सोची कि क्यों ना इसी रख देती हूँ, क्योंकि और भी ढाबा सब है, तो और भी है, लेकिन वहाँ पे दूसरा सामान वगैरह है रखी हुई, मैं सपरेट करके रखती हूँ, ताकि मुझे खोजने का टाइम में दिक्कत ना हो, तो बस यही मेरा एक है। और यहाँ पे ऐसे ही रखी हुई है सब, इस तरह से रखी हुई। ये टिफिन बॉक्स है, हम लोग के घर में तभी छोटा बच्चा है नहीं ना, तो हम दो ही जन है, मैं और भैया, तो ठीक ही है, तो क्यों ना काम में लगा ले। तो हम लोग कुछ काम से रौनकला गए थे, तो विशाल ने वहाँ पर गए थे, अगर दोस्त लोग को कुछ लेना था तो मैं तो ऐसे पैसा ले रही थी, तो कुछ नहीं लाई, बस यही लाई हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी अगर हॉस्टल वगैरह कहीं जाती हूँ तो कपड़ों के लिए क्लिप्स वगैरह, ये अगर छत पे हम सुखा रहे हैं तो अगर हवा चल रहा है ज़्यादा तो कपड़ा इधर उधर हो जाता है ना, तो ये ज़रूरी है। और ये कंघी लेके आई हूँ, तो खोली नहीं हूँ, अभी खोल देते हैं इसको, क्योंकि मेरा और एक है यही टाइप का, अभी मतलब हो गया ऐसे वाला कंगी अच्छा लगता है, तो बस यही वाला चाहिए था, इसी को देख के मैं इसको लेके आई हूँ, तो उसमें ये दोनों में था, तो इसको घर पे छोड़ूंगी ये दोनों, और ये मेरा, और इसको
जैसे तैसे करके मिट्टी दी हूँ, आता नहीं है फिर भी ऐसे ही। और ये पता नहीं कब खत्म होगा गाइस, एक तो एलिफेंट्स और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये है मेरा फ्लावर्स, जो कि ये वाली बहुत अच्छा लगता है, देखिए नया नया आया है। थोड़े देर के लिए शाम को मैं यहाँ पे हम लोग का जो छोटा सा टोंगी जैसा है वहाँ पे आई थी, और अब देख सकते हैं पूरा हम लोग का ग्रीन हो चुका है, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे शांत लगता है आने से। हेलो गाइस, तो मैं आई थी इधर घूमने के लिए, अकेले आई थी, और अभी घर जा रही हूँ, शाम हो रहा है। तो यहाँ से आके ना मतलब चारों तरफ दिखने मजा आ जाता है, इसीलिए आती हूँ। और बस तभी घर जाऊंगी और उसके बाद काम वगैरह करूंगी। गुड इवनिंग, और अभी सारा काम हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि लोग को ऐड कर देती हूँ। और मैं आप सबों से जरूरी बात शेयर करूंगी बोल के बोल रही थी, तो वो ये है कि मतलब अब सब हम सबको ही ऐसे होता है कि फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, और फ्रेंड सर्कल में रहते रहते ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम अच्छा रास्ता में रहते हैं, मतलब हम बहुत इम्प्रूव करते हैं, हमारा जो पर्सनालिटी होता है वो इम्प्रूव होता है ऐसे फ्रेंड सर्कल में रह के। और कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल होता है जहाँ पे हम अपने आप को समझ नहीं पाते, मतलब हम फिर से गलत रास्ता पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको एहसास हो ही जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस राह पे हैं, और कुछ ऐसे सिचुएशंस में हम रहते हैं, मतलब ऐसे हम सर्कल में रहते हैं फ्रेंड सर्कल, मतलब हमको कभी कभी ये लगता है कि भाई मैं इसको ये बोलूंगा तो बुरा मान जाएगा, और उन लोगों से दोस्ती नहीं करूंगी तो वे लोग बुरा मान जाएंगे, तो इस तरह से कभी कभी ख्याल आता है। लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करो, मतलब एक लाइफ एक ही बार मिलता है। आपको लगता है कि भाई मैं नेगेटिविटी में जा रही हूँ, तो जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, तो आपको वहां से ना मतलब निकल जाना है, बस अपने आप को बिल्ड करो सही वे में, सही रास्ते में, सक्सेस डेफिनेटली पाओगे। तो मैं आप सबों को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रहो, अच्छी संगत में रहो और अच्छी पढ़ाई करो। आपको लग रहा है कि जहाँ मेरे साथ गलत हो रहा है तो वहां से निकलो, और स्पेशली जो आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है उसके पीछे दौड़ना नहीं है कि, तो इन सारी चीजों से बच के रहना है। दुनिया किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते सिवाय गॉड और मम्मी पापा। अगर आपको सही दोस्त मिला है तो आप लकी हो। बस यही था, तो चलो आज का ब्लॉग को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, और चैनल पर नए हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।